Hi everybody, a very warm welcome to my channel Khushi Vasin. I really hope that you people are fine, doing good. And इस class में हम लोग discuss करेंगे, इस session में बहुत छोटा video रहेगा और इस session में हम लोग discuss करेंगे. आप सब लोगों को पता है कि reordering का option आप लोगों को मिल चुका है और साथ ही साथ vacant seats कितनी है Delhi University में वो भी आप लोगों को पता चल चुकी है. तो भैया उस vacant seat के हिसाब से आपको कैसे reorder करना है वो इस class इस session में आप लोगों को discuss किया जाएगा. तो please stay tuned for that. सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वेकेंट सीट का पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी. आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी वेकेंट सीट्स कौन से कॉलेजेस में है और उस अगर जिस कॉलेज में ज्यादा वेकेंट सीट है प्लीज उसको आप ऊपर वाली प्रेफरेंस में रख सकते हैं. बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया हम लोग जो है हमें रीऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिला है. तो मैं पहले बता दूं, वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था आप लोगों को रीऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने होप्स को लूज करें. आप लोग वेट कीजिए सेकेंड लिस्ट की. एंड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि भैया डोंट लूज होप अनटिल योर स्पॉट राउंड. स्पॉट राउंड से पहले अपने होप्स को लूज मत कीजिए बिकॉज लिटरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई वुड बी रिपीटिंग माई सेल्फ 6 से 7 हज़ार सीट्स ऐसी रह जाती हैं जो खाली रह जाती हैं क्योंकि बच्चे बीच में ही गिव अप कर देते हैं. सो डोंट डू दैट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर वन. दूसरी, आप लोगों को रीऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा, मिल सकता है. उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बच्चे जिनको रीऑर्डर का ऑप्शन मिला है आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी हाईएस्ट प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं, नीचे की प्रेफरेंस को नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेट्स से आपको आपका 13th प्रेफरेंस का कॉलेज मिला था फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो आप 13 से ऊपर वाली मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से लेकर 13 तक की उसको रीऑर्डर कर सकते हो, पीछे नहीं कर सकते. तो ये मत करना, ठीक है? हाईएस्ट प्रेफरेंस को ही रीऑर्डर कर सकते हो. एंड यार इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है. आई वुड ऑनेस्टली रिकमेंड एवरीवन डोंट रन बिहाइंड द कॉलेज. भैया स्किल्स डेवलप करने जा रहे हो, लोगों से बात करने जा रहे हो, एक्सपोजर लेने जा रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इस पे फोकस करें, कोर्स पे फोकस करो बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आप लोगों को आगे करियर में आपकी मदद करेगा रैदर देन द कॉलेज. आपको अगर बी कॉम ऑनर्स करनी है तो आप बी ए प्रोग्राम करके कोई झंडे नहीं गाड़ लेंगे. सो यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स, टॉक, कम्युनिकेट, एक्सप्लोर. एक्सपोजर इज द मस्ट. द मोर यू टॉक टू पीपल, द मोर यू लव योर कोर्स, द बेटर यू गोना परफॉर्म इन द कॉलेज. सोसाइटीज़ होती हैं, सब कुछ होता है, उस पर फोकस करो, फैकल्टीज पे फोकस करो रैदर देन द कॉलेज. आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब डिग्री मिलेगा तो उस पर कॉलेज नहीं लिखा आएगा, उस पर ये लिखा आएगा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है और आपकी कौन सी डिविजन है. तो अगर आप बी ए प्रोग्राम, बी कॉम ऑनर्स करना चाहते हो बट आप बी ए प्रोग्राम कर रहे हो थर्ड डिविजन से, तो क्या फ़ायदा है यार उसका? फर्स्ट डिविजन लाओ, बी कॉम प्रोग्राम करो किसी, बी कॉम ऑनर्स या बी कॉम प्रोग्राम करो किसी ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस के कॉलेज से. सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए. एंड विश यू गाइज ऑल द गुड लक. प्लीज डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो अगर कोई भी डाउट है तो. रीऑर्डर वेकेंट सीट के हिसाब से करना, वेकेंट सीट्स को देख के करना.